हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। तो प्रश्न है यहाँ पर, मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में केरल नहीं आएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज़ के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए, कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। तो उपरोक्त में किस प्राकृतिक आपदा से बचने के उपाय बताया गया है? तो किससे बचने का उपाय है ये? यहाँ पर ऑप्शन है बाढ़, जंगल की आग या फिर भूकंप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भूकंप से। अब ये प्रश्न है, मोहन ने एक स्टील का गिलास लिया, उसने मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ी, इस तरह 2-3 बार सांस फिर से छोड़ी, उसने देखा कि गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है हवा में नमी के कारण, या फिर गिलास की गर्मी के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हवा में नमी के कारण गिलास कुछ धुंधला सा हो गया। अब यह प्रश्न है, निम्न में से तेल का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ड्राई क्लीनिंग, रंग रोगन में, या फिर कंप्यूटर में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कंप्यूटर में। अब यहाँ प्रश्न है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारी क्या सुनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है धड़कने, आवाज़ या फिर गाने। तो क्या सुनते हैं? धड़कने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यह नेक्स्ट है, गांधी जी के बहुत करीबी साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा था नारायण, नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है यहाँ पर बबलू, बाबला या फिर बबली। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बाबला जो है वो नारायण का बचपन का नाम था। अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, भास्कर भाई की बाड़ी में जमीन को पोली बनाने के लिए किस जंतु का उपयोग किया जाता था? तो किसका करते हैं हम उपयोग जब हमें जमीन को पोली करना होता है? केंचुए का। तो आंसर होगा केंचुए। नेक्स्ट है, डल झील में यात्री जिस नाव में घूमने का मजा उठाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिकारे कहते हैं। अब ये नेक्स्ट है, किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहाँ तेल का भंडार है। तो तेल का भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो तेल का भंडार है असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में। तो आप अपनी चॉइस से किसी एक राज्य का नाम लिख लेंगे। अब ये नेक्स्ट है, लद्दाख में जूले का क्या अर्थ होता है? तो जूले का लद्दाख में अर्थ होता है स्वागत, यानी कि स्वागत। नेक्स्ट इज, नूर खान ने बताया कि उनके यहाँ मुस्तफ़ा खान नाम का एक आदमी रहता था जिससे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, प्यार से उन्हें सब क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहते थे उन्हें? उन्हें सभी प्यार से बच्चू खान कहते थे। यहाँ लिखेंगे बच्चू खान। अब यह प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए, मैरी कॉम जो है वो किस खेल से है? मुक्केबाजी से। तो इसके साथ मैच करेंगे। नीम की पत्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कीड़ों से बचाव के लिए। थ्रेसर, थ्रेसर किसे कहते हैं? तो थ्रेसर जो है बाजरे के दानों को बाली से अलग करने की मशीन है। अब यह प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, ट्रैफिक लाइट लाल होने पर गाड़ी के इंजन को कर देना चाहिए क्या? चालू रखना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बंद करना। उसके बाद है, गौरव जानी की मोटरसाइकिल का नाम था जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है अकेले रहने वाला, तो उसका क्या नाम था? लोनर या फिर डोनर? तो लोनर था, लोनर यानी कि अकेले रहने वाला, तो यहाँ लिखेंगे लोनर। उसके बाद है, खेड़ी गांव के पास की नदी पर बहुत बड़ा बनने वाला था क्या? बांध या फिर पुल? तो क्या बनने वाला था? बांध। तो यहाँ पर लिखेंगे बांध। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर हम इसे पहले पढ़ेंगे कि इस पोस्टर में जो है क्या है। तो तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन को बंद रखें। तो ये कब का है? दिनांक 13/7/2017 का है। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल के दाम हैं, उसके बाद डीजल के दाम हैं। तो पेट्रोल जो है 64 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है, और जो डीजल है वो है 54 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर। अब यह प्रश्न है, दिया गया पोस्टर किसके बारे में दर्शाता है? तो किसके बारे में बता रहा है पोस्टर? तो ये जो पोस्टर है बता रहा है कि तेल के भंडार सीमित हैं और हमें उसे भविष्य के लिए बचाना चाहिए। तेल के प्रयोग से चलने वाले कुछ वाहनों के नाम लिखने हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, ऑटो रिक्शा आदि। उसके बाद यहाँ पर है, तेल बचाने के कुछ उपाय लिखिए। तो तेल हम कई प्रकार से बचा सकते हैं, इट मीन्स गाड़ी को रोकने पर इंजन बंद कर देना चाहिए और इसे हमें ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए, और हमें
पर्सनल व्हीकल्स की जगह जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। जात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? अब प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों में यात्रा भाई को फिर से अपनी जगह छोड़कर जाने की बात से डर लगने लगा। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होने पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर यानी कि स्थानांतरण होने पर निम्न परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपनी पुरानी जगह छोड़नी होती है, रहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती है, पुरानी जगह से नई जगह अपना सामान ले जाना पड़ता है, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है और नया व्यवसाय ढूंढना पड़ता है। अब यह प्रश्न है प्रयोग, यानी कि आपको प्रयोग करना है, पानी में डूबने व तैरने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। तो आपको ये सभी सामग्री जो है आपके टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, लोहे की कील या फिर पिन, साबुन की टिकिया, कंकड़, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, किसी पेड़ की पत्ती, कागज़, पेंसिल, दवाई की पन्नी यानी कि एल्यूमिनियम की फैली हुई दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की मोड़कर गोली बनाई हुई। तो यहाँ पर जो है इस प्रयोग को आप अपने स्कूल में करेंगे और आपको पता लगाना है कि पानी में कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी चीज़ डूबेगी। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी, तो प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, किसी पेड़ की पत्ती, कागज़, पेंसिल, दवाई की पन्नी फैली हुई यानी कि एल्यूमिनियम की। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पानी में तैरेंगी, और जो चीज़ें पानी में डूबेंगी वो हैं पानी से पूरी भरी बोतल, लोहे की कील या फिर पिन, साबुन की टिकिया, कंकड़, दवाई की पन्नी मोड़कर गोली बनाई हुई एल्यूमिनियम की। तो आप जो है इस प्रयोग को करेंगे, बहुत ध्यान से करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।